औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके वजह से ये ऑनलाइन लेक्चर शुरू किया गया है और आप लोगों का ये एसपी का पहला लेक्चर है जो आज मैं लेने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को मानेंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, जैसे आपको बोला जा रहा है आपको उसी तरीके से काम करना है। सबसे पहली चीज, आप लोगों को किसी भी स्टेशनरी के बहाने रोड पर नहीं जाना है। सर ने हमें ये लाने के लिए कहा है, हम रोड पे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास 11 की जो नोटबुक अवेलेबल है उसी से आपको ये काम करना है। पहला काम आप ये करेंगे कि जो 11 की नोटबुक एसपी की है उसमें आगे के जो पेजेस हैं वहां पे आप 12 का शुरू कर देंगे। अब देखिए, चूंकि आपको पता है कि ये सिलेबस चेंज हुआ है और थोड़ा सा सिलेबस डिफिकल्ट भी किया गया है और थोड़ा सा ये जो है लॉकडाउन की वजह से भी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसमें भी कामयाब रहेंगे और हम कहीं से भी अपने आप को जो है मार्क्स कम होने नहीं देंगे। देखिए 11 का चूंकि पेपर पैटर्न था और 12 का हमें एक अच्छे से आइडिया भी थी, इसलिए हम अच्छे से गाइड भी कर सकते थे। अभी तक चूंकि मॉडल पेपर 12 का नहीं आया है इसलिए आपको सही से नहीं गाइड किया जा रहा है, लेकिन जितना भी आपको बोला जाएगा आपको उसको एकदम अच्छे से फॉलो करना है। तो स्टार्ट, पहली चीज नंबर 1, आपका पहला काम क्या है? सबसे पहले आप 11th वाली एसपी की नोटबुक लेंगे और आगे के पेजेस से 12th की स्टडी स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जो हर साल मैं टेक्निक यूज करता था वो टेक्निक मैं इस साल आपके साथ यूज करूं। सिलेबस के चेंज हो जाने के बावजूद हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपको मैं पहले एक चीज बता दूं कि हमें टेक्निकली स्टडी करना है, यानी हमें ऐसे स्टडी करना है कि हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, अब आप समझ लीजिए कि चूंकि ऑब्जेक्टिव्स बढ़ गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे जब हमें एक्चुअल पेपर पैटर्न या मॉडल पेपर हमें समझ में मिलेगा, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तो अब देखिए, दो चीजें हैं एसपी में स्कोरिंग की जो हर साल मैं अपने बच्चों से कहता हूं। पहली चीज है डिस्टिंग्विश बिटवीन और दूसरी चीज है लेटर राइटिंग। मैं अपने बच्चों को अप्रैल में ही इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करवा देता था, यही चीज उन्हें वेकेशन के होमवर्क में भी दे देता था, और जब हम वेकेशन के बाद आते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे 35-40 मार्क्स तक का वो एक प्रिपरेशन कर लिए होते थे। लेकिन इस बार चूंकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना कि हम कैसे पास होंगे या क्या होगा। आपको सिर्फ अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब हम आपको दो चीजें वापसी मेरी बात होंगी, सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में और उसके बाद लेटर राइटिंग के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में। इन दो चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने से पहले, मैं कुछ बताने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमारा रेगुलर लेक्चर अगले इससे स्टार्ट हो जाएगा। हमारा दो चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक तो हमारा रेगुलर लेक्चर चलेगा, चैप्टर वाइज चलेगा, और दूसरा स्पेशल लेक्चर चलेगा हमें मार्क्स को स्कोर करने के लिए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। रेगुलर लेक्चर इंशाल्लाह हमारा अगले इससे स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशल लेक्चर में दो चीजें कवर की जाएंगी स्टार्ट में आपके साथ, पहली चीज डिस्टिंग्विश बिटवीन और दूसरी चीज लेटर राइटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग से।
देखिए लास्ट ईयर, मैं आपको कंपेरेटिवली क्यों बता रहा हूँ, लास्ट ईयर से इस साल का मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए लास्ट ईयर क्या था कि ट्वेल्थ में 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन होते थे, जिसमें से डेफिनेटली 5 एग्जाम में आते थे, बच्चों को 3 करने होते थे, 5 मार्क्स का एक, इस तरीके से 15 मार्क्स उनको मिल जाते थे। तो पहली चीज, मैं अपने बच्चों को डिस्टिंग्विश बिटवीन याद करा देता था और उनके 15 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाते थे उनके। अब क्या है मालूम है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बढ़ गए हैं और मार्क्स कम हो गए। अब जो है आपके एसपी में टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ठीक है। देखिए ये चार्ट बनाया गया है और ये चार्ट की इमेज भी आपको आपके ग्रुप में मैं भिजवा दूंगा, रूबीना मिस से कह के इसकी इमेज भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टोटल हमारे टेस्ट बुक में 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, 14। ओके, तो कितने हैं 14 हमारे टेस्ट बुक में, टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अभी मैं आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में एक बार बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब आपको देखो करना क्या है, आपको मैंने स्टार्ट में क्या कहा, एसपी की नोटबुक में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। पहला काम आपको क्या करना है, सुन लीजिए, सबसे पहले आपको जो है एसपी की नोटबुक में आखिरी की तरफ, शुरू में नहीं, शुरू में हम क्या करेंगे, रेगुलर लेक्चर लेके चलेंगे। अब आप बोलेंगे सर हमें कितने पेज छोड़ना चाहिए, तो देखिए टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है और 30 पेजेस राउंड पकड़ लो, 30 बोले तो कैसा होता है, 1 बैक साइड में 2 इस तरीके से, और अगर हम सिंगल काउंट करते हैं तो 1, यानी हम फ्रंट बैक के तरीके से काउंट करते हुए हमें 30 पेजेस रखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए लास्ट में, एक्सपी की नोटबुक के लास्ट में। अब ये 30 जो पेजेस आपको रखना है, इसके अंदर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। अब आप देखो क्या करोगे, सुनो, ये आपका नोटबुक है, नोटबुक का ओके, देखिए ये फॉर एग्जांपल ये आपके एसपी की नोटबुक 11th वाली है, ओके। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इस नोटबुक में आखिरी में 30 पेजेस छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 30 पेजेस होंगे। क्या करना है ध्यान से सुनिए, एक पेज में आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है उसको ब्लैंक रखना है। जो डिस्टिंग्विश बिटवीन तो चैप्टर वाइज है, टोटल कितने 12 चैप्टर आपकी बुक में है, तो ये चैप्टर वाइज आपकी बुक में है, तो हमें करना क्या है मालूम है, आप एक तरफ डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखेंगे और इस तरफ उस डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक्सप्लेनेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, तो आप यहां पे लिखेंगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और इस पेज में मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। आफ्टर यू गेट एन आइडिया फिर आपको ये चीज पढ़ने में आसानी होगी, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इस तरीके से जब आपके टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लिख लोगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज है वो ब्लैंक रखना है। फाइनली आपसे बोला जा रहा है, प्लीज लिसन केयरफुली, लेफ्ट हैंड साइड के पेज को ब्लैंक रखना है और डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट हैंड साइड में लिखना है, ओके। इस तरीके से आपका जो है ये कवर हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जिसमें से 4 आपको एग्जाम में आएंगे, टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। पहले कितने थे, 8 थे, 8 में से 5 आते थे, 3 करना होता था 15 मार्क्स के लिए। अब टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से 4 एग्जाम में आएंगे और आपको 3 करना है और उसके 12 मार्क्स होंगे।
14 में से कितने, चार, चार में से कितने करना है, तीन, एक कितने मार्क्स का है, चार मार्क्स का, इस तरीके से 12 मार्क्स होते हैं। एक बात याद रखना, हर डिस्टिंग्विश बिटवीन में पहला जो मीनिंग है ना वो याद करना है, बाय हार्ट याद करना है, और फिर आगे के कोई भी चार पॉइंट, क्या है, किसी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पांच पॉइंट मिलेंगे, किसी में आपको आठ मिलेंगे, किसी में दस मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम आपको मीनिंग के अलावा सिर्फ चार पॉइंट याद करना है जो आपको इजी लगेंगे, वो आपके हिसाब से, मीनिंग इज कंपल्सरी, नो चॉइस, ये आपको याद करना है, ये मैं कह रहा हूं, और इसके बाद चार पॉइंट जो आपको इजी लगे, आप कोई भी आप शॉर्ट पॉइंट ले लीजिए जिसमें एक्सप्लेनेशन कम हो, लिखने का कम हो, आप वो ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको इजी लगेगा, आपको वो चार पॉइंट लेना है, मीनिंग के अलावा कोई भी चार पॉइंट। अब आइए कि आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन कहां पर है, प्लीज कवर कीजिए इसको। देखिए चैप्टर नंबर वन में पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये है पेज नंबर 9 में। देखिए इस तरीके से मैंने टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा है, चैप्टर नंबर भी लिखा है और पेज नंबर भी लिखा है, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन पहले ही भी सिलेबस में थे, और बहुत से डिस्टिंग्विश बिटवीन अभी तो पहले 8 थे, अभी 14 हो गए, एक दो डिस्टिंग्विश बिटवीन कम भी कर दिया गया है, अब नहीं है वो सिलेबस में, और बहुत से एक्स्ट्रा लाए गए हैं। तो इस तरीके से 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। देखिए चैप्टर नंबर वन में पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये पहले भी सिलेबस में था, पेज नंबर 9 पर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन है शेयर एंड डिबेंचर, पेज नंबर 30 पर, इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर, पेज नंबर 31 पे, ये पहले भी सिलेबस में थे, अभी भी सिलेबस में है। एक नया डिस्टिंग्विश बिटवीन लाया गया है चैप्टर नंबर 2 में, वो है ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये नया है, ये है पेज नंबर 32 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जो है चार डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जिसमें से ये एक जो है एक भी नया वाला से एक ही इसमें से पुराना वाला है, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, पेज नंबर 58-59 वाला, और 3 नए कवर किए गए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, पेज नंबर 56 एंड 57, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड, पेज नंबर 57 पे, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, पेज नंबर 58 पर। तो चैप्टर नंबर 3 में चार डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एक ही लास्ट सिलेबस वाला है, और 3 नए कवर किए गए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है। कहीं कहीं पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसा लगेगा, लेकिन वो डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए वो चीज की गई है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यही 14 है। और अगर कोई मतलब मेरे दिमाग से निकल गया होगा, अगर बाद में आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसको बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल, अभी मैंने पूरा बुक अच्छे से स्टडी किया, उसमें मुझे 14 दिखाई दिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 9 पर जो है वो है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, ये भी नया है, पहले ये सिलेबस में था, कोई इसको स्टडी करता था कोई नहीं करता था, इस बार तो उसको टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 10 में ये एक नया डिस्टिंग्विश बिटवीन है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, और ये पहले भी ये था, इस बार भी सिलेबस में है, इंट्रीम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है, आपको इमेज सेंड कर दी जाएगी, आप उसको नोट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 में ये दोनों डिस्टिंग्विश बिटवीन पहले भी थे सिलेबस में और अभी भी रखे गए हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, पेज नंबर 165 पे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, पेज नंबर 165-166 पे। और चैप्टर नंबर 12 में एक नया डिस्टिंग्विश बिटवीन लाया गया है जॉबर एंड ब्रोकर, पेज नंबर 175। इस तरीके से मैंने टोटल काउंटिंग किया तो 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपको एग्जाम में जो है
कोई भी चार आएंगे जिसमें से आपको तीन कर जिसमें सॉरी आपको टोटल चार दिए जाएंगे जिसमें से तीन करना है और ये 12 मार्क्स के लिए होगा। तो फाइनली आपको करना क्या है, ये इमेज आपको सेंड कर दी जाएगी। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप प्लीज अपने एसपी की नोटबुक में तमाम डिस्टिंग्विश बिटवीन नोट कर लेंगे राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड आप ब्लैंक रखेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन आपको जो दिया जाएगा, जो नोट कराया जाएगा, उसके लिए वो पार्ट रहेगा। तो लास्ट एंड फाइनल डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में एसपी की नोटबुक में, एसपी की नोटबुक में आपको टोटल चार डिस्टिंग्विश, टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, आपको टोटल 14 में से आपको चार दिए जाएंगे जिसमें से तीन करना है। और आपको एसपी की नोटबुक में पूरे 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, एक नहीं दो नहीं, पूरे 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है और याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम जब आगे जाकर वेकेशन के बाद मिलेंगे, जब भी हमारी और आपकी फेस टू फेस पहली मुलाकात होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम मैं आपको ये देखूंगा कि आपने एसपी की नोटबुक में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा है या नहीं लिखा है। नंबर सेकेंड, आपने याद किया या नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों, हम एक काम ये करेंगे, हम इस 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन के दो टेस्ट लेंगे। शुरू के 7 डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का ले लेंगे, और फिर हम इसके बाद फिर जो है और 20 मार्क्स के लिए और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन ले लेंगे। इस तरीके से हम 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन को दो टेस्ट में कवर करेंगे 7-7 करके। तो आपको लिखना है, याद करना है और टेस्ट के लिए रेडी रहना है। ओके, यस।